गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। हम आज एक फार्म विला का पार्टी है, फार्म विला में पार्टी है, आई एम सॉरी, फार्म विला में पार्टी है। शादी का है रिसेप्शन, तो उसी में हम लोग चलते हैं, ठीक है गाइस। और बिना किसी तरीके रेडी हो जाते हैं हम, ठीक है। अभी तो फॉर्मल ड्रेस में ही है, रेडी हो जाते हैं फटाक से। तो रेडी हो गया, जैकेट वैकेट पहन के, तो चलिए तैयार है, तो चलते हैं हम जल्दी से। ठंडी का मौसम है, इतना जल्दी चलते हैं, जल्दी आते हैं। ये एक पापा के दोस्त बैठे हुए हैं, ये भी साथ चलेंगे, मतलब फार्म विला में नहीं चलेंगे, रास्ते में इनको छोड़ देना है। अरे, तो देख सकते हैं गाड़ी निकल गया है और अब हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। और कूहा कितना लगा हुआ है चारों तरफ, आप लोग को दिख ही रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए कूहा कितना लगा हुआ है, जब मेरे मुंह से भी निकल रहा है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आप लोग दिखा नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको बांध लेते हैं क्या। तो चलिए अब हम लोग रेडी हैं, हम गाड़ी से चलेंगे, पापा आएंगे उसके बाद चलेंगे हम लोग। अब तक के लिए हम आपको दिखा दें कि दरअसल शादी हो कहाँ रहा है। आपको अगर हम दिखाएं तो आप लोग, अगर सामने इस गली में दिख रहा होगा आप लोग को, जहाँ लाइट बढ़ रहा है ना, उसी के यहाँ शादी है। मतलब बारह मतलब रिसेप्शन दूसरे जगह कर रहा है, लेकिन शादी उसी के घर का है, समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, देख सकते हैं हम लोग का बाइक वहाँ पर लगा हुआ है, चलते हैं हम लोग जल्दी से। देख सकते हैं पापा बोले हैं अंकल जी को तनखा, वो कार्ड देने के लिए, खरीदने के लिए, तो वही वो खरीदने गए हैं, तो वही वहाँ पे ले रहे। तब तक हम लोग यहाँ पे खड़ा है, तो तब तक के लिए आप माहौल देख लीजिए बाहर का कैसा है, रोड पर का। तो अब हम लोग थोड़ा ही देर में फार्म विला में पहुँचेंगे, समझ रहे हैं ना आप लोग। सफर जारी है और ठंडा कितना ज़्यादा है आप लोग देख ही सकते हैं चारों तरफ। देख सकते हैं हम लोग फार्म विला पहुँच गए हैं, और जो कार्ड देना था वो भी हम लोग ले ही लिए हैं, ये देख सकते हैं कार्ड। कहाँ लगाने में हो गया, देख लीजिए यहाँ पे कार पार्क कर दिए हम, चलिए चलते हैं। बनाया हुआ है पापा जी, बनाया हुआ है, बनाया हुआ है। वही हम बोले कि ऐसा कैसे हो गया, है तो ऐसा नहीं था। मैं इसको पकड़िए, तो जरा इसको पकड़िए, ये बनाया हुआ है। वही हमको लगा कि इतना जल्दी ऐसा कैसे बना सकता है, बनाया हुआ आइटम है। देखिए ये सीढ़ी, और यहाँ पे देख सकते हैं लोग कितना बिजी है खाना खाने में, और वहाँ पे स्टार्टर रखा हुआ है, और देख सकते हैं काफी लोग हैं। मतलब आप लोग शुरू हैं? हाँ, अभी चल। दीजिएगा भैया, देख सकते हैं हम ले लिए खाने के लिए, समझ रहे हैं आप लोग। ये पनीर भी ले लिए खाने के लिए, और देख सकते हैं आइसक्रीम भी रखा हुआ है यहाँ पे, फिर हम भी एक ले लिए हैं। और यहाँ पे वो लोग खा रहे हैं, तो हम भी सोचे यहाँ पे खा लेते, ठंड में वैसे कौन आइसक्रीम खाता है। चलिए फिलहाल खाना खा लेते हैं, खाना देख सकते हैं खाना ले रहे हैं हम। ये देख सकते हैं हम खाना ले लिए हैं, और ये मेरे आसपास में लोग सब खा रहा है, देख सकते हैं मेरा खाना यहाँ पे रखा हुआ है। अभी हम अकेले हैं यहाँ पे, इसलिए बोल रहे हैं, तभी से सब साथ में था कैसे बोलते हैं, क्या ख्याल है। मेरा चेहरा ठीक लग रहा है ना, चेहरा तो ठीक ही लग रहा है। म्यूजिक, काफी अच्छा पार्टी है, बड़ा पार्टी है, देख सकते हैं सामने में चांद भी खिला हुआ है, दिख ही रहा होगा आप लोग को। खा लिए हैं, चलिए थोड़ा देखते हैं, इधर उधर घूमते हैं, आइए इस रूम में चला जाए। ओहो, यहाँ तो बहुत सारा लोग बैठा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन सब बैठा हुआ है,
और वहाँ पे पता नहीं कौन कौन लोग सब बैठे हुए और सामने दूल्हा दुल्हन सब बैठा हुआ है। ऊपर चढ़ के घूमते हैं, ऊपर गया नहीं है कभी फार्म भी ला के, ऊपर चल के देखते हैं कि क्या माहौल है, क्या सीन है। खाना खा के वैसे भी हमको पेट भर जाता है, तो खाला है। चलिए आइए यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या है। ओ माय गॉड, यहाँ तो पूरा खाली ही है, पूरा खाली है, देख रहे हैं चारों तरफ पूरा खाली। हम सोचे खा के इधर उधर घूमते, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी एक था देखे थे, लेकिन क्या कहते हैं अभी दिख नहीं रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा खाली है। ओ माय गॉड, देख सकते हैं पूरा आगे जमीन है, जमीन है खाली खाली। देख रहे हैं आप लोगों को दिख रहा है क्या कहते हैं वो सीनरी। चलिए ठीक है, चलिए चलते हैं इधर चलते हैं। पूरा खाली है, सिर्फ हम ही हैं अकेले यहाँ पे। आइए जरा अब इधर भी देख लिया जाए, इधर भी पूरा खाली है, क्या बताऊँ। वापस चल देते हैं, ये क्या सीन है, वाह क्या कलाकारी है। नहीं आप लोग का क्या कहना है इस बारे में, बाहर चल के देखा जाए क्या नज़ारा है। गाना तो सुन ही रहे हैं, ये चारों तरफ गाना बज रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। देख रहे हैं गाड़ी वाड़ी लगा हुआ है और डिस्को लाइट बज रहा है, देख सकते हैं। देखिए और ये श्री गणेश जी, प्रणाम कीजिए इनको, देख रहे हैं आप लोगों को क्या सीन है, दिखता है। और ये देखिए, देखना है कितना आवाज हो रहा है, बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है। इतना डगरा का है लटकाए हुए, इतना सारा जगह पे इतना सारा डगरा, पता नहीं इतना बड़ा व्हील का है लगाए हुए, चक्का का है लगाए हुए। और वहाँ देखिए चार पांच को घोड़ा, किसने बोला था, ले ले ले, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। वैसे देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा जगह है तो भीड़ ज़्यादा नहीं लग रहा है, वैसे लोग तो ज़्यादा है लेकिन भीड़ नहीं लग रहा है, हालांकि जगह बहुत बड़ा है। देख सकते हैं वहाँ पे शादी हो रहा है, मतलब शादी नहीं मतलब दूल्हा दुल्हन बैठा हुआ है। बहुत ही अनोखा चीज़ मिला, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए क्या है ये बताइए, नहीं कौन सा क्रिएचर है और क्या है ये बताना क्या चाहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक कि ये हस्बैंड वाइफ है सर, पता नहीं क्या है। चलिए अब काफ़ी घूम लिया, अब घर की तरफ चलते हैं। और ये देखिए एक छोटा सा घर, 2 इंच का छोटा सा घर। खैर चलिए अब हम लोग चलते हैं, ख्याल है हाईवे के सामने ही है। ओ माय गॉड, जैसा कि आप लोग देखें पार्टी में कि पार्टी काफ़ी शानदार था, अच्छा था। वैसे तो मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है कितना एंजॉय करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एग्जाम से और ये फिर पता नहीं क्या क्या बहुत सारा काम है अभी, और पता नहीं हमको ये गली कहाँ जाता है क्योंकि हम यहाँ पर कभी आए नहीं, इसलिए पता नहीं है। लेकिन अभी हम लोग जल्दी से पापा गए हैं वाशरूम मतलब टॉयलेट करने, तो पापा आएंगे उसके बाद हम लोग डायरेक्ट घर जल्दी से जाएंगे, ठीक है ना। वैसे पार्टी अच्छा था, नहीं आप लोग का क्या कहना है कॉमेंट में बताइएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करो तो कर ही दीजिएगा, तब ना हम लोग के फैमिली से जुड़िएगा। तो ठीक है अब हम लोग चलते हैं घर, देख सकते हैं अमीर लोगों की गाड़ियाँ लगी हुई हैं है कि नहीं चारों तरफ। और ये पता नहीं शायद मार्केट है या फिर पार्किंग जोन है, पता नहीं। और पापा अब आ रहे हैं थू था करते हुए। धुआं क्या चीज का है पापा, हाँ पापा जी इतना धुआं, ओ अच्छा आग लगाए हुए हैं, वही हम सोचे इतना धुआं क्या चीज का है, तुरंत में अचानक से, अभी तक तो नहीं था अचानक कैसे आ गया। कोई साडे वाल नहीं, आज साडे वाल नहीं, पता नहीं गल नहीं पापा दले जे कल भी तक। पापा जी हाईवे वाला रास्ता से चलते हैं ना, हाँ पापा जी इतना लगा हुआ है, कूहा लगा हुआ है सब, हाँ ओ देखिए सब कूहा लगा,
ठंडा में इतना ज़्यादा कुहा बढ़ जाता है, दिन में रहता ही नहीं है कुहा, क्या बात है। आगे का रास्ता दिखाई हो नहीं देता है, धीरे धीरे चलाने में ही गाड़ी चलाती है। भाई सच्चों में कुहा है कि धुआं है बे? कुहा इतना ज़्यादा रहता है, धुआं लगता है भाई। अरे बाप रे इतना कुहा है, इतना दिखाई हो नहीं देता है कि आगे है क्या। कमाल इतना ज़्यादा लाइनों कट गया बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ये वो तो इतना कुहा ऊपर से लाइन कट गया। अरे घर तो पहुँचिए गए ना पापा, 9 बज रहा होगा, 9 बजे इतना धुआं हो गया, मतलब कुहा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है सामने। आगे वो गाड़ी आ रहा है, निकल रहा है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो खोलिए, गेट खोलिए दादा, 9 बज रहा है। देखें टाइम 9 बज रहा था, लेकिन बाहर में कितना ज़्यादा कुहा था, हम क्या बताएं, इतना ज़्यादा कुहा था दोस्तों। और हम लोग फार्म मिला में गए हैं, खाना खाए, वापस आए, बहुत अच्छा लगा। टाइम ज़्यादा नहीं था, नहीं तो हम और अच्छा से इन्जॉय करते हैं, आपको भी अच्छा सा दिखाते, लेकिन फिर भी जितना हुआ उतना अच्छा है, क्या ख्याल है। तो ठीक है, अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, अगर ठीक है तो। बाय बाय टाटा खुदा हाफिज़, जय श्री राम। और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और देख सकते हैं ठंड के मौसम में जब आप लोग भी निकलिए ना, तो कोशिश कीजिए कि रात के ज़्यादा होने से वापस आ जाए पहले, समझे, क्योंकि इतना कुहा था, आप लोग तो देखें इतना ज़्यादा कुहा था कि क्या बताएं हम, मतलब इतना कुहा, इसी की वजह से ठंडा में इतना ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। खैर ठीक है, अब बाद में अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय टाटा, थैंक्स, लव यू। मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद था, जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के में।